राहुल जी आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज बयान पर बीजेपी की युद्ध स्तरीय प्रतिक्रिया जारी है। उपराष्ट्रपति धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति के बयानों को दोहराते हुए कहा, जहां राहुल को पीएम से, सांसदों से और देश से माफी मांगनी चाहिए, वहीं देश के सैनिकों से भी उन्हें माफी मांगनी चाहिए। से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए। अब अनुराग ठाकुर के इस बयान पर लोगों ने उन्हीं का गोली मारो सालों को वाला नारा याद दिलाते हुए कहा, क्या ऐसी असंवैधानिक बातें करके आप देश का गौरव बढ़ा रहे थे? गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अनुराग ठाकुर के बयान पर लोग उन्हें उनके बयान याद दिला रहे हैं। संजय त्रिपाठी ने कहा, गोली मारो सालों को कहने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। देश में नफरत घृणा की खेती कर वोटों की फसल काटने वाले देश को शर्मसार कर रहे हैं और यहां ज्ञानी बनकर उपदेश दे रहे। मित्रकाल में बदनामी और गुणगान की परिभाषा अब बदल गई है। जो लोग गोली मारो के नारे देते हैं और भारत का नाम विश्व पटल पर वो सुशोभित कर रहे हैं और आज राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। बीजेपी में अनपढ़ और मूर्खों की जमात भरी पड़ी है। चाहे आप जितना भी अनाप शनाप बकते रहो, जनता आप सब जानती और समझती है। एक प्रधानमंत्री की आलोचना देश की आलोचना कैसे हो सकती है अनुराग जी, जब वह विदेशी धरती पर जाकर पीएम पहले ही बोल चुके हों, भारत में पैदा होना शर्म की बात है। क्या ये शर्म की बात नहीं थी?